राम राम भाइयों, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। और सुबह के 7 बज रहे हैं और ये मेरे जिम जाने का टाइम होता है। मैं जिम जा रहा हूँ और जिम भी हम सारे भाई एक साथ ही जाते हैं, तो मैं सारे भाई अभी मिलेंगे कुछ देर बाद, क्योंकि अब मिलते हैं। वो अभी रास्ते में मेरा वेट कर रहे हैं और मैं पहले से लेट हो चुका हूँ। और तुम्हें पता ही है इतनी ठंड कितनी ज़्यादा पड़ रही है। और ये मेरा कैप है, ये मत सोचने कल वाली कैप है, ये दूसरा है, ये ऊपर से ओपन वाला है, ये ओपन रहता है। ये सारे भाइयों का मीटिंग पॉइंट वहाँ होता है, वहाँ उस अगले वाले उस लट्ठे के पास। और अब सारे भाई मुझे दिख तो रहे नहीं है कि कहाँ पे हैं, अब तक आए नहीं आए। हरिओम भाई तो खड़ा दिख रहा है वहाँ पे अकेला पूरा। भाई जिम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, दोनों भाई मिल चुके हैं यहाँ पर। ये रे जिम जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अजय भाई की थोड़ी आज तबीयत खराब है और तब भी कह रहा है मैं जिम करूंगा। ये जुनून होना चाहिए सारे भाइयों में जिम जाने के लिए, पर इसमें है नहीं, ये घर भी भाग सकता है अभी कुछ देर। नहीं 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 भागूंगा मैं भाई, बहुत तगड़ा जिमर भाई है ये भाई। जुकाम होने के बाद इसे बुखार भी होने लग सकता है। एक्सरसाइज कर लूंगा ना मैं, समझा करो यार। पर एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, लाइट करो या कम, ज्यादा करो या कम करो, डाइट हो ना हो, प्रोटीन हो ना हो, पर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ अभी हमारे दो भाई और जाते थे जो कि अभी आए नहीं है, वो पीछे पीछे बहुत तेजी से भागते हुए आएंगे। और हम जिम तक सारे भाई पैदल ही जाते हैं, क्योंकि जिम से घर तक का वॉकिंग डिस्टेंस बहुत कम है। हम थोड़ी देर में पैदल पैदल चल चलते वार्म अप भी हो जाते, इतने में पहुंच भी जाते हैं। चलो तो भाई फिर मिलते जिम में। भाई सुबह जल्दी उठा करो, सुबह का वातावरण शुद्ध है ना, बस क्या बताया जाए। और हमारा जिम का रास्ता जो जाता है ना, वो खेतों के बीच से होके हुए जाता है, तो हमें और नेचुरल हवा मिल पाती है। ना ना भाई, बस अजय के जुखाम, मेरे तो थोड़ी हूँ। भाई अजय को जुखाम था और इसने भाई थोड़ी देर में आते ही मुझे जुखाम कर दिया भाई, अजय भाई ने। और इससे अच्छा तो भाई अजय भाई को जुर्माना ही नहीं चाहिए था, पर ये जब भी आ गया है और दूसरों को और जुखाम फैला रहा है भाई अजय भाई, गलत बात है भाई अजय। और हरिओम भाई कह रहा मुझे भी हो गया थोड़ा थोड़ा। हरिओम हो गया यार मुझे भी। भाई देख लो तो ये जुखाम वाले बंदों से ना भाई बच के रहना, ये किसी को भी इधर उधर जुखाम फैला देते हैं। ये जिम के बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी जिम की पार्किंग है और यहाँ पे हमारी जिम है। और भाई बाकी तुम्हें हम अंदर जिम में चल के दिखाते हैं कि क्या माहौल होता है जिम में। ये रही भाई अपनी जिम, सारे जिमर वाले बच्चे अंदर हैं। आ चुके हैं आज, थोड़ी मोटिवेशन कम आई जिम करने में, इतना मजा नहीं आया, पर फिर भी हमने जैसे से चार चार एक्सरसाइज करी ली। मैं दिन में दो बॉडी पार्ट, मतलब एक दिन में दो बॉडी पार्ट्स करता हूँ सुबह सुबह, एक चेस्ट और एक बैक। मैंने चेस्ट के भी चार सेट मारे थे और बैक के भी चार सेट मारे, पर वो वाली मोटिवेशन नहीं, फिर भी हमने जैसे वर्कआउट पूरा कर लिया। और बाकी आप मौसम देख रहे हो, अभी भी 8:30 बज रहे हैं, तब भी इतना ठंडा मौसम हो रहा है, कोई धूप अभी तक नहीं निकल पा रही है। तो भाई वापस घर आ चुका हूँ और सारे भाई जा चुके हैं अब अपने घर। और रोहन और कली आज आए नहीं थे और हमारी माँ गेट नहीं खोल रही हमारे लिए, इतनी देर से इंतजार में हम बाहर खड़े। गेट क्यों नहीं खोल रही? वह क्यों गाड़ी में डोल है बाहर? भाई जिम कर आए हो, इतनी मेहनत कर आए हो, जब भी कोई इज्जत ना है घर में, जब भी जाड़े में डोल है बाहर, यू डोल है वो डोल है, बस देख लो भाई जिम करने की ये सजा मिल रही है। भाई गेट भी ना खोल रहे घर में मेरे लिए, बताओ हद की बात है। गेट क्यों ना खोल रही नहीं हो तो बता, अपने बेटा तो बाहर रखना चाहे। हां बेटा तो नहीं गया सुबह तक जिम जाना जाऊं? हां जिम ना जाऊं, घर आती नहा भी लिया हूं। और नहाने के बाद अब मेरा सबसे पहले काम होता है पूजा करना, उसके अब मैं सबसे पहले पूजा करूंगा नहाने के बाद, फिर उसके बाद ही कुछ अपनी डाइट लूंगा। और तुम बॉडी तुम देख रहे हो, तुम्हारे भाई की ठीक ठाक ही है काम। और हम डाइट में मैं सबसे पहले अपना शेक ही लेता हूं ज्यादातर तो जिम से, अगर प्रोटीन होता है तो प्रोटीन शेक बना लेता हूं, या फिर इसके बना प्रोटीन की शेक बना लेता हूँ। कैसी लग रही है बॉडी बताओ?
बना दिए हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ तुम्हें गोपाल जी अब कैसे लग रहे हैं। लग रहे हैं ना भाई एकदम मस्त गोपाल जी नहा धो के। भाई जो पूजा करने के बाद सुकून मिलता है ना वो अलग ही होता है कुछ। बस अब जो जलानी हो रहेगी है अभी माँ बर्तन धो के ला रही है जिनसे जो जलानी है उसके बाद करते हैं पूजा। गाइस मैं भूल गया था गोपाल जी कंबल उठाना, माई माँ ने कहा अभी कंबल तो उठाए नहीं है भाई गोपाल जी, अब तो ठंड लगती है, तो गोपाल जी को भी अब मैंने कंबल उठा दिया उनका। अब गोपाल जी को देखो कैसे लग रहे हैं, अब ठंडी लगेगी। वैसे तो भाई वैसे ठंड में कहीं जाने का मन नहीं करता, पर भाई हरिओम भाई आ गए हैं, इसको भाई सीक्रेट मेडिकल स्टोर से दवाई दिला के लानी है, तो जरूरी है भाई, तो जाना पड़ रहा है भाई के साथ। भाई दो तीन काम मुझे भी थे, मुझे भी बिजली बोर्ड तक जाना है एक बारी, वहाँ पे हमारे थोड़े बिल में बिजली के बिल में थोड़ी दिक्कत हो गई है, थोड़ा ज़्यादा आ गया है, पहला वाला बिल भी दोबारा जुड़ के दोबारा आ गया एक बारी और, तो इसलिए मुझे वहाँ पे भी जाके एक बार बिल को ठीक करवाना है। तो भाई चलते चलो भाई, अभी हम सीख यहाँ तक थोड़ी दूर तक मेरी कार थोड़ी बाहर खड़ी है इसलिए यहाँ बाइक से जा रहे हैं, उसके बाद हम वहाँ से कार ले लेंगे उसके बाद आगे जाएंगे। कभी सोच रहे थे ठंड में बाइक से आएंगे, भाई ठंड में बाइक पे मत निकला करो बिल्कुल भी, ठंड में बाइक पे तड़प जाओगे बिल्कुल, बहुत ठंडी हवा चल रही है। भाई वो बाइक खड़ी कर दी है और गाड़ी में बैठ चुके हैं, मैं हरी हूँ बाइक, हमने वहाँ पे साइड में जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे बाइक खड़ी कर दिया, इसके बाद हमें बिजली बोर्ड जाना है और इसको दवाई दिलाते हैं। भाई देख लो ठंड का ये माहौल है, भाई देखो नोज कैसे रेड हो चुकी है एकदम, देख रहे हो ना भाई इतनी ठंड लगी थी बाइक को, तुम्हें क्या ही पता है यार, मैं घर से वो भी नहीं पहन के आया कुछ, मुँह पे बांधे का मफलर वफलर, इसलिए बहुत होती है। और भाई हरिओम भाई लगा पड़ा है एकदम म्यूजिक सिस्टम से ही, कई होते हैं ना भाई जिनको एकदम गाड़ी में बैठते ही गाने सुनने की बहुत तगड़ी आदत होती है, हरिओम भाई उनमें से ही बैठते ही गाड़ी में बहुत तगड़े तगड़े गाने बजा देता है। भाइयों बिजली बोर्ड के बाहर आ चुके हैं, अब चलते हैं अंदर देखते हैं कि बल्ब बिल में करेक्शन हो पाती नहीं हो पाती, ठीक कर पाते करेंगे या नहीं करेंगे, चलो अंदर चल के देखते हैं। बिजली बोर्ड आ चुके हैं और इस खिड़ी पे हमारा काम होना है, और भाई को हमने सारा मैटर समझा दिया है कि क्या हो गया है, बिल पे कर दिया था मतलब थोड़ा लेट हो गया था बिल पे करने में, उसके बाद अब देखते हैं भाई क्या समाधान निकालते हैं इस बात का, वो अपने और बल बड़े लेवल के अफसर बंदों से बात करें कि क्या करा जाए। भाई भाई ने ड्यू डेट निकल गई क्या की, अब ये वाली थोड़ा निकली तो रिसेंट नया वाला होगा, तो फिर भाई ने बिल भाई ने बना के दे दिया है, अब हमें इतना बिल भरना है भाई इतना, और अब देखते क्या होता है, वहाँ पे बिल काउंटर है वहाँ पे जाके बिल भरते हैं, आ जाओ। भाई बिल का काम हो चुका है, अब घर जाने की तैयारी है। भाई हरिओम जा चुका है और भाटिया आ चुका है भाई के व्लॉग में, और भाटिया में से भाई इतनी मस्त खुशबू आ रही है, बता नहीं रहा है क्या लगा के आया भाई ये। अरे भाई कहाँ क्या भाई भाटिया बता ना भाई के व्लॉग ना क्या है बहुत दिनों बाद भाई भाटिया बहुत दिन चाहिए भाई, ये बताओ सर्दी में कौन कौन भाई जो हमारा नहाता नहीं है, नहाता नहीं है टाइम से, और भाई भाटिया भी उनमें से एक है जो तीन चार दिन में एक दिन नहाता, और जिस दिन नहाता है ना उस दिन कार में खुशबू खुशबू कर देता है और भाई लड़की की वजह से खुशबू आ रही है इसमें से। भाटिया क्या लगा है भाई बता देना। अरे कुछ नहीं भाई बस तो भाई भाटिया कहता है हमेशा भैया आपकी गाड़ी बहुत गंदी है बहुत गंदी है, मैं धुवा लो धुवा लो वॉश कराओ इसको, हाँ वॉश कराओ, पर भाई हमें धुवा ना पा रहे गाड़ी है बिल्कुल भी, और गाड़ी हमारी रहे बहुत ज्यादा गंदी, जैसे कि आप तुम देख ही पा रहे होंगे सारे पे डस्टी डस्ट है, पर भाई दो टाइम ना मिल पापा की गाड़ी धुवाने जाओ या कुछ भी, तो भाई भाटिया पर भाटिया अपनी गाड़ी एकदम चमका के रखा है, इतनी बढ़िया तरह चमका के रखा है भाई, एक पैसा कोई जीव तो चाट लो भाई, भाटिया के बहुत तगड़े काम है गाड़ी साफ करने में, और भाई कहेंगे गाड़ी दूसरे की गाड़ी भी हो ना भाटिया वो भी गंदी ना देखी जावे, अपनी तो साफ रहनी चाहिए तो दूसरे की भी सोच है कि साफ कर दू, पर करे ना भाई कभी सोच रहे तुम्हारी गाड़ी साफ करने वाला तो मैं अपनी गाड़ी खुद साफ करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी भाई। और भाई इतनी कभी इतनी सर्दी लगे कभी ठंड लगे यार गर्मी लगे यार, समझ में नहीं आ रही कहाँ मौसम है, रहो अभी गाड़ी में भाई गर्मी लग रही बहुत ज्यादा एकदम, देखना लाल लाल हो गया सारा फेस भी, और पता नहीं चल पा रही कि क्या ही चक्कर है भाई, गर्मी है ठंड है भाई दिमाग खराब हो पड़ा है भाई, कभी ठंड लगती है कभी गर्मी लगती है, बाइक पे जाओ तो ठंड लगती है भाई कार में जाओ तो गर्मी लगती है, बताओ भाई कैसे किया जाए। फिर मनु आ चुका है, मनु डॉन, अरे मनु आ जाओ यार भाई, मैं मन्नू और माँ को किसी काम से अब लेके जा रहा हूँ, तो फिर भाई मिलते काम होने के बाद। भाई सुबह से धूप का ऐसा सीन हो रहा है भाई, धूप निकल भी रही है भाई निकल भी नहीं रही है, सुबह से ना धूप ने भी पागल बना रखा है कि भाई धूप निकलेगी क्या ना निकलेगी, भाई भाई कोई पूरे हमारे यहाँ तो कोई समझ ना पा रहा भाई कि धूप निकलेगी ना निकलेगी, पूरा दिन निकल गो भाई हमें, कभी सूरज आ जावे भाई कभी चले जावे, हम कुर्सी लेके बाहर बैठे हैं भाई, इतनी सूरज आ गया भाई थोड़ी बहुत देर
क्या कहते हैं उसे, वो ले लेते हैं सनबाथ ले लेते हैं, और फिर उसके बाद भी फिर सूरज चले जाता भाई। भाई सुबह से दुखी कर रखे हैं ये भाई। हमारे हरिओम भाई बैठे हैं धूप के इंतजार में, वाईफाई के मजे लेते हुए, पूरे वाईफाई चलाने में पूरे व्यस्त हैं, और ऐसे पड़े हैं भाई। भाई अब आज को मैं पापा और मोनू को लेने, क्योंकि आज पापा गाड़ी लेके नहीं गए थे, तो मुझे इसलिए उन्हें आज लेने आना पड़ा। वैसे भाई कूटते नहीं है मेरे पापा, और फिर डर भी दो, फिर भी पापा का तुम्हें पता ही है, रहता ही है, तो इसलिए मैं पापा को टाइम से लेने के लिए आ चुका हूँ। अब पापा आने वाले हैं, मैं पहले आके खड़ा हो चुका हूँ कि कहीं वो आके खड़े ना हो जाए और मैं लेट आऊँ, इसलिए मैं पहले उनसे पहले 5-10 मिनट पहले आके खड़ा हो गया हूँ उन्हें लेने के लिए। तो भाई अब पापा के सामने तो व्लॉग करना तुम्हें पता ही है नामुमकिन ही काम है। तो फिर भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।